नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों के शपथ ग्रहण के बाद 27 मई को ग्राम पंचायतों की पहली खुली बैठक का आयोजन प्रत्येक ग्राम पंचायतों में किया गया, जिसके तहत गुरुवार को कुल 838 ग्राम पंचायतों में बैठक आयोजित की गई तथा 6 सदस्य टीम का गठन किया गया। बैठक में ग्राम पंचायतों में कोविड-19 प्रबंधन की समीक्षा भी की गई और कोरोना के जंग में अहम भूमिका निभाने की रणनीति भी तैयार की गई, जिसके संबंध में जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया कि नए पंचायतों की खुली बैठक का आयोजन किया गया है। अब ग्राम प्रधानों का डोंगल भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिससे वे अपने ग्राम पंचायत का विकास कर सकें। इसके अलावा वह गांव में कोरोना संक्रमण को दूर करने में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर ने बताया। गोरखपुर में आज सभी नव संगठित ग्राम पंचायतों की पहली बैठक संपन्न हुई, जिसके तहत 6 नई कमेटियों का निर्माण हुआ। इसके अलावा कोविड प्रबंधन को लेकर के कार्ययोजना बनाई गई, साथ ही कोई अन्य कार्यों को भी जो महत्वपूर्ण विषय कोई थे उसको भी कार्ययोजना में सम्मिलित किया गया। सभी जगह प्रधान के अलावा जो निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य थे वो शामिल हुए। अब आगे से प्रधानों का डोंगल बनाया जाएगा, उसके बाद फिर प्रधान जो है अपनी कार्ययोजना के अनुसार आगे का कार्य ग्राम पंचायत के विकास के लिए संपादित करेंगे।